नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट या भैया के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से हमारी आवाज़ आज बुलंद है। जी हां, होनी ही चाहिए, क्योंकि एज अ टीम स्पेक्टेटर्स, एज अ इंडियन व्यूअर, आज का दिन है ही कुछ ऐसा। जी हां, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नागपुर टेस्ट को इंडिया ने 132 रन और इनिंग्स से जीत लिया है। बहुत बड़ी जीत टीम इंडिया ने हासिल की है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपको देते हैं क्रिकेट की हर जानकारी एक नए कलेवर में, एक नए अंदाज में। तीसरे दिन के खेल शुरू होने पर आज इंडिया की बैटिंग थी और बैटिंग करने उतरे आज रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। रविंद्र जडेजा ने 70 रन बनाए, अक्षर पटेल ने 82 रन बनाए और इंडिया ने पहली इनिंग्स में 400 रन का विशाल स्कोर किया। और उसके बाद तो भाई मज़ा आ गया। जब बैटिंग आई ऑस्ट्रेलिया की तो उनके एक भी प्लेयर, ऐसा लग रहा था कि उनको ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी थी, एक भी प्लेयर टिक के नहीं खेला। सिर्फ स्टीवन स्मिथ ने 25 रन बनाए और अभी मैं जब स्कोर कार्ड पढ़ूंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं स्कोर कार्ड पे। ऑस्ट्रेलियन अपनी सेकेंड इनिंग्स में महज 91 रन बनाए और पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। जब मैं ये स्कोर कार्ड पढ़ रहा हूँ तो एज ए इंडियन व्यूअर मुझे बड़ी ही खुशी मिल रही है और आप लोगों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आज खेल ही कुछ ऐसा हुआ है। जी हाँ, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। सबसे पहले उस्मान ख्वाजा 5 रन पे आउट, डेविड वार्नर 10 रन, मार्नस लेबुशेन 17, स्टीवन स्मिथ 25, मैट रेनशो 2 रन, पीटर हैंडस्कॉम्ब 6 रन, एलेक्स कैरे 10 रन, पैट कमिंस 1 रन, टॉड मर्फी 2 रन, नेथन लियोन 8 रन और स्कॉट बॉलैंड 0। जी हाँ, ये स्कोर और टोटल स्कोर 91। पिछली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 64 ओवर खेले थे, लेकिन इस इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया महज 33 ओवर में ढेर हो गई और इंडिया को एक विशाल विशाल जीत हासिल हुई। दोस्तों, स्पिन की मिस्ट्री चली और हिस्ट्री रच दिया टीम इंडिया ने। यही बताएंगे आपको आगे कि किस तरह से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। हमने अपने पैकेजेस में, हमने अपने वीडियोस में पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर इंडिया की स्पिन तिकड़ी, जिसमें अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन शामिल है, चल निकली तो ये मैच के आने वाले मैचेस और पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी अभी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर नज़र डाले बॉलिंग के स्कोर कार्ड पे तो रविचंद्रन अश्विन ने 12 ओवर में 37 रन देकर 3 मैडन के साथ 5 विकेट लिए। इकॉनमी देखिए 3.08 की। रविंद्र जडेजा ने 12 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए, इकॉनमी 2.83 की। मोहम्मद शमी ने 4.3 ओवर में 1 मैडन फेंका, 13 रन दिए और 2 विकेट लिए और इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 6 रन दिए और 1 विकेट लिया और पूरी की पूरी टीम सेंचुरी, जी हां 100 रन भी नहीं बना पाई। बहुत बड़ी बात कह सकते हैं आप, अपने आप में एक हिस्ट्री ही बनी है। आज इस मैच में सबसे बढ़िया और काबिले तारीफ प्रदर्शन किया रविंद्र जडेजा ने। जी हां, आकाश चोपड़ा ने अपने एक ट्वीट में जिक्र किया है कि उनसे बढ़िया ऑलराउंडर इस वक्त, इस समय पूरी दुनिया में कोई नहीं और इंडिया के लिए फख्र की बात है। इस मैच में उन्होंने बल्ले से 70 रन मारे और विकेट लिए 7 और टोटल स्पिनर्स ने इस मैच में विकेट लिए 16, 8 विकेट लिए रविचंद्रन अश्विन ने, अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया और 7 विकेट लिया रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों, इसी से जाहिर होता है कि स्पिन की मिस्ट्री को ऑस्ट्रेलिया झेल नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम बिखर गई और इस तरीके से इंडिया ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है। आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब अगले मैचेस हो, हमारे स्पिन बॉलर्स इसी तरह पकड़ बनाए रहे, वो दिन दूर नहीं जब हम इस सीरीज़ को 3-0 से जीतेंगे और ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट पे हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी? अगर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आ रही है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, अपने सजेशंस दीजिए। हमें और सुधार करने की ज़रूरत अगर आपको लगती है तो वो कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।